नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है नॉइस कलर फिट आइकन 2 स्मार्ट वॉच, जो है एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच और ये लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे 2499 में। तो प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। बात करते हैं इसके मेन स्पेक्स के, तो इसमें है 1.8 इंच का TFT डिस्प्ले, कॉलिंग फंक्शन है, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, SpO2, हार्ट रेट, मल्टी स्पोर्ट्स मोड, 60 स्पोर्ट्स मोड आपको मिलेंगे इस वॉच में, AI वॉइस असिस्टेंट, इनबिल्ट गेम्स है दो। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप, हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो ये है वो चीजें जो आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर, यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड, नॉइस के स्टिकर्स, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो इस वॉच में आपको मिलती है 260 mAh की बैटरी और आपको इसे चार्ज करने के लिए लगेंगे 2 आवर्स, 2 घंटे। इस तरीके से आप इसे अटैच करके चार्ज कर सकते हो। आप चार्जिंग करने के लिए 5 वॉट या 10 वॉट का जो चार्जिंग अडाप्टर है उसका यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ के लिए, या फिर आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। आपको मिलेगा 7 दिन का बैटरी बैकअप, लेकिन अगर आप कोलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप। बात करते हैं इस वॉच के फिजिकल ओर की, तो डिस्प्ले में आपको देखने मिलेगा प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड, तो अच्छी बात है स्क्रीन गार्ड अप्लाई करके दिया गया है। एक बटन दी गई है, नॉइस की ब्रांडिंग है जिसपे, और जो स्ट्रैप्स है अच्छी क्वालिटी के है, आप इन्हें रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है, फिर बाहर करना है इसे, इंसर्ट करने के लिए नीचे के होल में अलाइन करना है, फिर ऊपर की पिन को खींचना है नीचे और ऊपर के होल में अलाइन करना है इस तरीके से। बैक की बात करेंगे तो यहाँ पे है SpO2 और हार्ट रेट सेंसर, यहाँ पे आपको मिलेगा स्पीकर और माइक कॉलिंग पर्पज के लिए। स्पीकर दिया गया है लेकिन आप स्पीकर से म्यूजिक को प्ले नहीं कर सकते। और ये वॉच जो है IP67 वाटर प्रूफ है। स्ट्रैप्स की साइज है 22 mm। स्विच ऑन करने से पहले आप इसे फुल चार्ज कर लीजिए ताकि आपको पहले टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, तो अब मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो स्विच ऑन करने के लिए आपको इस पे लॉन्ग प्रेस करना है बटन पे, लोगो शो करेगा तो उंगली आपको रिलीज कर देनी है। तो वॉच स्विच ऑन हो चुकी है, अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है नॉइस फिट ट्रैक। तो इसे डाउनलोड कीजिए, फिर इसके बाद आपको इसे करना है ओपन। आपको अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट सेंटीमीटर में, वेट kg में सेट करना है। इसके बाद करिए टिक पे टैप, फिर कीजिए अलाउ, फिर आपको टू ऐड लिखा होगा ऊपर में, उस पर टैप करना है। वाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, ब्लूटूथ ऑन करने के लिए अलाउ कीजिए, 1 मिनट का वेट करिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो बैक जाइए, डिवाइस के टैप में जाइए और यहां से करिए ऐड अ डिवाइस पे टैप। अगर इतना करने के बाद भी वॉच यहां पे शो नहीं कर रही है तो आपको अपने फोन को और अपनी वॉच को करना है रिस्टार्ट। तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करिए दोनों को, फिर वापस कीजिए टू ऐड पे टैप, आपको शो करेगी नॉइस आइकन 2, फिर आपको इस पर टैप करना है। डिवाइस के टैप पे टैप कीजिए, बैटरी परसेंट यहां पे शो करेगा, मतलब समझ जाना कि आपकी वॉच पेयर हो चुकी है। अगर आपको कॉलिंग का यूज करना हुआ तो कॉलिंग का यूज करने के लिए आपको अपने वॉच को पेयर करना पड़ेगा, तो यहां पे गो टू सेटिंग्स पे टैप कीजिए और कीजिए पेयर। अब आप अपनी वॉच पे कॉल को रिसीव कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉच फेस के बारे में, वॉच फेस को किस तरीके से आपको चेंज करना है, डाउनलोड करना है। टैप कीजिए, यहां पे मिलेंगे आपको एक साथ 7 वॉच फेसेस, तो आपको जिसे अप्लाई करना है उस पर टैप कीजिए और वो वॉच फेस अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर आपको डाउनलोड करना हुआ तो आपको मोर वॉच फेस पे टैप करना है। यहां पे आपको मिलेंगे 140 जितने वॉच फेसेस, तो आपको जिसे डाउनलोड करना है आपको उस वॉच फेस पे टैप करना है। मान लो मुझे डाउनलोड करना है ये वाला वॉच फेस, तो मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा डाउनलोड।
तो इस तरीके से आप किसी भी वॉचफेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको पहले वॉचफेस के सामने लिखा मिलेगा एडिट, आपको इस पर टैप करना है। फिर सिलेक्ट पिक्चर पर टैप कीजिए, तो आपको जिस पिक्चर को सिलेक्ट करना है उस पिक्चर पे आपको टैप करना है। तो मैं चाहता हूं ये फोटो सेट करना, तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने हिसाब से, और फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम आपको कहां पे शो करना है, ऊपर या नीचे, तो मैं करूंगा अब बिलो मतलब नीचे। इसके अलावा अबाउट टाइम, टाइम के ऊपर आपको क्या शो करना है, टाइम के ऊपर मैं चाहता हूं डेट शो करें। इसके अलावा बिलो टाइम, टाइम के नीचे क्या चाहते हो आप, टाइम के नीचे मैं चाहता हूं स्टेप्स। तो इस तरीके से आप टाइम के ऊपर और नीचे क्या शो करना चाहते हो यहां से सेट कर सकते हो। और इस फॉन्ट का जो कलर है आपको कौन सा सेट करना है, आप कलर को भी यहां से चेंज कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव। तो आप इस तरीके से अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो। एज अ वॉचपेस अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। फिर है नोटिफिकेशंस को इनेबल करने का ऑप्शन, तो इस पर टैप कीजिए। फोन के लिए आपको इसे ऑन करना है, परमिशंस को अलाउ कीजिए ताकि आप कॉल्स को रिसीव कर पाओ अपने वॉच पे। फिर मैसेज के लिए भी अलाउ कीजिए, और आपको किन किन एप्स की नोटिफिकेशन देखनी है आपकी वॉच में उन एप्स को यहां पे ऑन करना है। तो मैं चाहता हूं ट्विटर सबसे पहली बार अगर आप करोगे तो आपको इनेबल करना पड़ेगा, और आपको नॉइस पिट ट्रैक इसे करना है ऑन। अलाउ कीजिए, बैक जाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे सारे ऐप्स की नोटिफिकेशन देखनी है अपनी वॉच में, तो आपको अदर्स को ऑन करना है। इसे ऑन करोगे मतलब सभी एप्स आपके फोन में, जितने भी एप्स हैं उन सभी एप्स की नोटिफिकेशन आपको आएगी आपकी वॉच में, लेकिन उससे बैटरी ज्यादा यूज होगी। इसलिए जो काम के हैं, जो जरूरी आपके लिए है, आप उन्हीं को ऑन कीजिए। दोस्तों अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच पे। तो आप देख पा रहे हो रिंग भी बज रही है और वाइब्रेट भी हो रही है वॉच। कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करता है, यहां से आप इस कॉल को कट कर सकते हो, इसे रिसीव कर सकते हो, और यहां से इस रिंगिंग को म्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कॉल पहले से ही म्यूट हो, रिंग ना बजे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने प्रोफाइल को सेट करना पड़ेगा म्यूट पे, म्यूट पे सेट कीजिए। अब आपको कोई कॉल आएगा तो रिंग भी नहीं बजेगी और वाइब्रेशन भी नहीं होगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। और अब मान लो आपने कॉल को रिसीव किया तो यहां पे टाइमर शो करेगा। इसके अलावा म्यूट का ऑप्शन है, माइक को आप म्यूट कर सकते हो, सामने वाले को आप क्या बोल रहे हो वो सुनाई नहीं देगा। फिर है कॉल को स्विच करने का ऑप्शन, तो अब कॉल वॉच में है, आप चाहते हो कॉल फोन में आ जाए तो इस पे टैप कीजिए। जो कॉल है अब फोन में स्विच हो चुका है, आप देख सकते हो। अगर आपको वापस कॉल को स्विच करना है वॉच पे, तो इस पे टैप कीजिए। कॉल जो है अब वॉच पे वापस आ चुका है। और लास्ट का जो ऑप्शन है वो है वॉल्यूम को एडजस्ट करने का, आप यहां से कॉलिंग वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से, और फिर आप यहां से इस कॉल को एंड भी कर सकते हो। लेकिन आपको अगर कुछ समय के लिए अपनी वॉच में कॉलिंग फीचर का यूज नहीं करना है, मतलब कि आप अपने फोन में कॉल को रिसीव नहीं करना चाहते, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। हालांकि कॉल के अलर्ट आपको शो करेंगे लेकिन आप कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऐसा करना हुआ तो आपको जाना है अपने फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में, लॉन्ग टैप कीजिए बी पे, और यहां पे लिखा होगा नॉइस आइकन टू फोन, तो इस पे टैप कीजिए। अब ये हो चुका है अनपेयर, मतलब कि अब कॉल आएगा तो आपको केवल कॉल का अलर्ट शो करेगा, कॉल को रिसीव करने का ऑप्शन आपको यहां पे नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो, एक तो आप इसे म्यूट कर सकते हो या फिर इसे कट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉलिंग का यूज करना है आपके वॉच में, तो आपको फिर वापस इस पे टैप करके इसे पेयर करना है, और अब कॉल आएगा तो आप अपनी वॉच में रिसीव भी कर पाओगे। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो एसएमएस आ चुका है, इस तरीके से शो करता है, और यहां पे हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करते हैं लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते। आप यहां पे 6 से 7 लाइन रीड कर सकते हो। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो आपको स्वाइप डाउन करना है, और ये है आपके नोटिफिकेशन, आपको जिसे रीड करना है उस पर टैप कीजिए, उसे टैप करके आप इस तरीके से ओपन करके रीड कर सकते हो। अगर आपको
डिलीट करना हुआ तो आप एक एक को डिलीट नहीं कर सकते, आपको सभी को करना पड़ेगा एक साथ डिलीट। ये रहा नीचे क्लियर ऑल का ऑप्शन, इस पर टैप करोगे तो सभी मैसेज यहां से डिलीट हो जाएंगे। और इसमें अच्छी बात यह है कि जब भी SMS आता है तो डिस्प्ले इसका ऑन भी होता है और वाइब्रेट भी होती है वॉच। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच पे। व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है और इसमें अच्छी बात यह है कि व्हाट्सएप में भी डिस्प्ले इसका ऑन हो जाता है और आपकी वॉच वाइब्रेट करती है, इस तरीके से शो करता है। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो स्वाइप डाउन कीजिए और ये है आपके मैसेज जो आपने रिसीव किए, आप टैप करके उसे रीड कर सकते हो इस तरीके से। फिर है अलार्म्स को सेट करने का ऑप्शन, आप यहां पे एक साथ 3 अलार्म्स को सेट करके रख सकते हो। आपको टैप करना है, टाइम सेट करना है, आवर और मिनट, इसके बाद कौन से दिन के लिए आपको इस अलार्म को सेट करना है उस दिन को आपको सेट करना है, और फिर कीजिए सेव। इस तरीके से आप अलार्म को सेट कर सकते हो। जो भी अलार्म आप सेट करोगे आप देख पाओगे अपनी वॉच में भी, और जब ये टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर वाइब्रेशन के साथ आपकी वॉच में। फिर है शटर का ऑप्शन, तो इस पर टैप कीजिए, वाइल यूजिंग दी ऐप कीजिए, शटर बटन यहां पे ऑन हो जाएगा, आपको टैप करना है, फोटो कैप्चर हो जाएगी आपके फोन में। आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच के जरिए आपके फोन में। फिर है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, तो ये है एक कॉलिंग वॉच, तो आप इस वॉच में मैक्सिमम 8 कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रख सकते हो। आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट्स पे टैप करना है, ऐड पे टैप कीजिए, जिस कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको उस कॉन्टैक्ट पे टैप करना है। टैप जैसे करोगे उसके सामने आपको मिलेगी एक टिक, मतलब कि वो सिलेक्ट हो चुका है। तो ऐसे में 8 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मैंने 8 कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको करना है ऊपर में डन पे टैप, तो ये है वो 8 कॉन्टैक्ट्स जो हमने सेट किए हैं। अगर आपको इन्हें ऊपर नीचे करना हुआ तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, तो आपको 3 बार पे लॉन्ग टैप करना है, ड्रैग करके आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको किसी भी नंबर को चेंज करना हुआ तो आप करिए एडिट ऑल पे टैप, तो आपने जो सिलेक्ट किया है उसे निकाल के अगर आपको दूसरा कोई ऐड करना है तो उसके लिए जहां पे टिक है उसे आपको करना है टैप करके अनटिक, और मान लो आपको इसे ऐड करना है तो इस पर टैप कीजिए। इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो किसी भी नंबर को, फिर ऐड करने के बाद आपको करना है डन पे टैप। आपको याद रखना है कोई भी नंबर इसमें ऐसा ऐड नहीं करना है जिसमें स्टार और हैश होगा, अगर आप ऐसा नंबर ऐड करोगे तो आपके कॉन्टैक्ट सिंक नहीं होंगे। तो सारे कॉन्टैक्ट सिंक हो चुके हैं, फिर आपको जाना है बैक, और जो भी कॉन्टैक्ट आपने सेव किए हैं आपको मिलेंगे नॉइस फीड बज में या नॉइस बज में, इस पर टैप कीजिए, और ये है कॉन्टैक्ट का ऑप्शन, इसमें मिलेंगे आपके सारे कॉन्टैक्ट जो आपने सेव किए हैं 8 कॉन्टैक्ट। फिर है अदर्स का ऑप्शन, तो इसमें सबसे पहले है फाइंड डिवाइस, इसके जरिए आप अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पे रख दिया है और आपको मिल नहीं रही है, तो आप इस पर टैप कीजिए, आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट और इसमें साउंड भी प्ले होगा ताकि आप उसे आसानी से लोकेट कर सको इस तरीके से। आपकी वॉच और आपका फोन कनेक्टेड होंगे तभी ये फीचर वर्क करेगा। फिर है टाइम फॉर्मेट, तो आपको कौन से फॉर्मेट में टाइम को शो करना है आपकी वॉच में आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। अगर मान लो मुझे करना है 12 आवर फॉर्मेट तो मैं करूंगा 12 आवर और करूंगा डन, तो मेरी वॉच में टाइम जो होगा 12 आवर फॉर्मेट में शो करेगा। इसके बाद है यूनिट सिस्टम, इसमें आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, मैट्रिक और इंपीरियल, तो आपको मैट्रिक करना है। मैट्रिक करने से क्या होता है, आपका जो भी डिस्टेंस होता है वो मीटर या किलोमीटर में मेजर होगा, इसके अलावा आपका वेट केजी में। लेकिन अगर आप इंपीरियल रखोगे तो आपका वेट पाउंड्स में शो करेगा और जो डिस्टेंस होगा वो माइल्स में शो करेगा, लेकिन हम मैट्रिक ही करते हैं यूज इंडिया में, तो आपको मैट्रिक ही करना है। फिर है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, तो अगर आप इसे ऑन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहां पे टाइम सेट करना पड़ेगा, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, जो टाइम आपने सेट किया है उस टाइम के दौरान ये फीचर वर्क करेगा। अगर ये फीचर वर्क करेगा इसका मतलब है कि आपकी वॉच में कोई भी वाइब्रेशन और साउंड प्ले नहीं होगा और कोई भी नोटिफिकेशन और कॉल नहीं आएंगे। फिर है रिमाइंडर्स टू मूव, मतलब कि सिडेंटरी रिमाइंडर, अगर आप इसे ऑन करोगे तो अगर आप 1 घंटे के दौरान कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, ऐसे बैठे हुए हो आइडली, तो आपको आएगा अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो ये जो अलर्ट है सुबह के 10 से लेकर रात के 10 बजे तक वर्क करता है, अगर आपने हर घंटे कोई भी एक्टिविटी नहीं की तो आपको आएगा रिमाइंडर।
फिर है कंटिन्यूस हार्ट रेट डिटेक्शन, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर होता रहेगा, लेकिन अगर आप इसे ऑन रखोगे तो आपको काफी कम बैटरी बैकअप मिलेगा आपके स्मार्ट वॉच में, इसलिए मैं इसे ऑफ रखूंगा और फिर मैं जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकता हूं यहां से। फिर है कंट्रोल फोन म्यूजिक, तो अगर आपको अपने फोन का जो म्यूजिक है कंट्रोल करना हुआ आपकी वॉच के जरिए तो आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद है लैंग्वेज, जो आपको इंग्लिश रखनी है। स्क्रीन टाइम आउट, मतलब कि मान लो आपने एक बार डिस्प्ले को ऑन कर दिया तो ये कितने सेकंड के लिए ऑन रहनी चाहिए, तो इसके लिए ये है स्क्रीन टाइम आउट, तो 5 सेकंड के बाद डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहो तो मैक्सिमम 20 सेकंड तक रख सकते हो, डन कीजिए। अब अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो डिस्प्ले 20 सेकंड तक ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। फिर है रिसेट, तो आप अगर रिसेट करोगे तो आपके ऐप में जो भी डेटा है और वॉच में जो भी डेटा है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर है क्विक व्यू का फीचर, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर। मान लो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है और ऐसे में अगर आपने इसे ऊपर उठाया डिस्प्ले इसका ऑन हो जाता है, इसे कहते हैं रेस्ट वेक का फीचर। अगर आपको इसे यूज करना है तो ऑन कीजिए, अगर नहीं करना है तो ऑफ कीजिए, या फिर आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, जो टाइम आप सेट करोगे उसी टाइम के दौरान ये फीचर वर्क करेगा। और फिर है वेदर का ऑप्शन, तो अगर आपको वेदर इंफॉर्मेशन देखना हुआ अपनी वॉच में तो आपको इसे ऑन करना है। आज का और अगले 6 दिन का वेदर फोरकास्ट आपको शो करेगा आपकी वॉच में और हर घंटे वेदर इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी। और आपको टेम्परेचर सिस्टम सेल्सियस ही रखना है और सिटी आपको सर्च करनी है, जो भी आपकी सिटी है, जैसे कि मान लो मुझे अगर करना है मुंबई तो मैं करूंगा मुंबई और मुंबई का जो वेदर होगा शो करेगा अब आपकी वॉच में। इसके बाद है अपग्रेड का ऑप्शन, तो अगर इस वॉच के लिए अपडेट अवेलेबल है तो यहां पे शो करेगा, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं होम पेज की, जैसे आप होम पेज पे टैप करोगे तो आपको मिलेगा यहां पे वाइटल्स और एक्टिविटी डेटा। तो सबसे पहले स्टेप्स, इस पे आप टैप कीजिए, ये है आज का डेटा, आज आप कितने स्टेप्स चले हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की है और कितने मिनट आप एक्टिव थे, यहां पे शो करता है। इसके अलावा यहां पे मिनट पर मिनट डेटा शो करता है। मिनट का मतलब होता है हर एक्टिविटी के लिए अलग मेट स्कोर दिया जाता है, वॉकिंग के लिए 5, बाइकिंग के लिए 6। तो मान लो अगर आप वॉकिंग करते हो 10 मिनट के लिए तो 5 × 10 मतलब 50 मेट पर मिनट आपका यहाँ पे शो करेगा, और पिछले 7 दिन का परफॉर्मेंस कैसा रहा है यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी डेट पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस आइकन पे टैप करना है, उस डेट पे टैप करना है, उस डेट का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा इस तरीके से। फिर है स्लिप डेटा, तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लिप डेटा रिकॉर्ड होगा आपकी वॉच में और सिंक हो जाएगा इस ऐप में, तो यहाँ पे शो करेगा, टैप कीजिए। तो आप टोटल कितने टाइम के लिए सोए थे, डीप स्लिप, लाइट स्लिप, अवेक टाइम कितना था यहाँ पे शो करता है, ग्राफ वाइज भी शो करता है, आपको कितने बजे नींद लगी, आप कितने बजे जागे यहाँ पे टाइम शो करता है। इसके अलावा आपका स्लिप क्वालिटी स्कोर कितना है और कौन से रेंज में है यहाँ पे शो करता है, लास्ट 7 डे का परफॉर्मेंस कैसा रहा है आपका यहाँ पे आप ग्राफ वाइज चेक कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस आइकन पे टैप करके उस डेट पे टैप करना है, उस दिन का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन एक इश्यू इसमें यह है कि मान लो आप सुबह में जागते हो और ऐसे में केवल लेटे हुए हो अपनी बेड पे, आपकी आंखें खुली है, वो डेटा भी रिकॉर्ड होगा स्लिप डेटा में। मुझे पता है कि मैं सुबह में 6:30 बजे जागा था, उसके बाद मैं बेड पे लेटा रहा, लेकिन जो लेटने का टाइम है आंखें खुली रखकर जो मैं लेटा हूं वो भी टाइम यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है स्लिप डेटा में, और यहाँ पे अवेक टाइम भी शो नहीं कर रहा है। तो कंप्लीटली ये परफेक्ट स्लिप डेटा शो नहीं करता, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर है हार्ट रेट डेटा, तो अगर आपने अपनी वॉच में हार्ट रेट को मेजर किया होगा तो यहाँ पे शो करता है, लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था, कितना आया था यहाँ पे शो करता है, टैप कीजिए। लास्ट 7 टाइम आपने मेजर किया था तो उसका रिजल्ट कितना आया था, कितने बजे आपने मेजर किया था यहाँ पे आप टैप करके चेक कर सकते हो, और यहां से भी अपनी वॉच में मेजर करने के लिए कमांड दे सकते हो, यहाँ पे टैप करोगे तो आपकी वॉच में हार्ट रेट मेजर करना स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो। इसके अलावा आपने पहले से लेकर अब तक जितनी भी बार मेजर किया है हार्ट रेट को, सभी डेटा को अगर आपको चेक करना हुआ तो आपको इस पे टैप करना है, और ये रहा सारा डेटा, कब मेजर किया था, कितना आया था यहाँ पे शो करता है एक साथ। फिर है ब्लड ऑक्सीजन, तो आपने अपनी वॉच में अगर SpO2 को मेजर किया होगा तो यहाँ पे शो करता है, लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था, कितना आया था यहाँ पे शो करता है, टैप कीजिए।
और लास्ट 7 टाइम आपने जो मेजर किया था तो कब मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट, यहां पे शो करता है। आप यहां से भी कमांड दे सकते हो मेजर करने के लिए, यहां से स्टार्ट हो जाएगा मेजरिंग। इसके अलावा पहले से लेकर अब तक आपने जितनी बार भी SpO2 को मेजर किया है, सभी डेटा को अगर आपको एक साथ देखना हुआ तो इस आइकन पे टैप कीजिए। यह है सारा डेटा, आपने कब मेजर किया था, कितना आया था, यहां पे शो करता है एक साथ। और फिर है आउटडोर रनिंग। जैसे कि आपको पता होगा आपकी वॉच में GPS नहीं है, लेकिन आप अपने फोन का GPS यूज करके आउटडोर रनिंग कर सकते हो लाइव रूट के साथ। तो आपको टैप करना है, टर्न ऑन करना है, अलाउ ऑल द टाइम कीजिए GPS के लिए, स्टार्ट कीजिए। तो आपको अपने फोन को साथ में लेकर रनिंग करना पड़ेगा ताकि आपका जो लाइव रूट है वो रिकॉर्ड हो। फिर आपको यहां पे शो करेगा डिस्टेंस, टाइम, किलो कैलोरी, पेस। पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो कितना मिनट लगेगा। फिर स्टेप्स कितने चले थे। अगर आपको लाइव रूट को चेक करना हुआ तो मैप पे टैप कीजिए, आप कौन से रूट पे रनिंग कर रहे हो यहां पे आपका लाइव रूट शो करेगा। बैक जाना हुआ तो नॉर्मल पे टैप कीजिए, और अगर आपको इसे स्टॉप करना हुआ तो लॉन्ग प्रेस कीजिए, ये पॉज हो जाएगा, और एंड करना हुआ तो स्टॉप कीजिए। अगर आप चाहते हो ये रिकॉर्ड हो डेटा, तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए करना है, तब जाके यहां पे से होगा। और इसके बाद अगर आपने कोई भी वर्कआउट किया होगा आपकी वॉच में, अगर आपको उस वर्कआउट डेटा को चेक करना हुआ इस ऐप में, तो आपको लुक मोर ट्रेनिंग डेटा पे टैप करना है। आपने जो भी वर्कआउट किए थे आपकी वॉच में यहां पे शो करेंगे। अगर आपको किसी के बारे में डिटेल में जानना हुआ तो उस पर टैप कीजिए, ये कौन सा वर्कआउट था, कौन सी डेट को कितने बजे आपने किया था, कितने टाइम के लिए किया था यहां पे शो करता है, कितने स्टेप चले थे, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया था, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की थी, स्पीड आपकी कितनी थी, मतलब 1 घंटे में आपने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, पेस कितनी थी आपकी, एवरेज हार्ट रेट आपका कितना था, और हर मिनट के हिसाब से आपका हार्ट रेट कैसे चेंज हुआ था यहां पे शो करता है, हाईएस्ट और लोएस्ट कितना रहा था, और कौन से जोन में कितने टाइम के लिए रहा था आपका हार्ट रेट यहां पे शो करता है। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की, तो ये है प्रोफाइल सेटिंग्स, इस पर टैप कीजिए। तो यहां पे प्रोफाइल पे टैप करके आप अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और जो स्टेप लेंथ है मतलब कदमों की लंबाई, उसे चेंज कर सकते हो जब चाहे तब यहां से। फिर है गोल, तो रोजाना आप कितने स्टेप चलना चाहते हो, आपका डेली स्टेप गोल कितना है, आप यहां से जब चाहे तब चेंज कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों ये था ऐप के बारे में, अब हम देखेंगे आपको वॉच में कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स देखने मिलते हैं। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके 3 का, अगर आप होम पेज पे हो ऐसे में अगर आपने इस पे प्रेस किया डिस्प्ले इसका ऑफ हो जाएगा। डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने के लिए आप इस पे प्रेस कर सकते हो। इसके अलावा मान लो आप किसी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको बैक आना हुआ स्टेप बाय स्टेप, तो आप इस पे प्रेस करके स्टेप बाय स्टेप बैक आ सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा आप जेस्चर का यूज करके भी बैक आ सकते हो, आपको ऐसे स्वाइप करना है राइट में इस तरीके से। और अगर आपने इस पे लॉन्ग प्रेस किया तो आप अपनी वॉच को स्विच ऑफ कर सकते हो इस तरीके से टिक पे टैप करके। होम पेज पे अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, आपको स्वाइप करना है इनके बीच में और आपको जिसे सेट करना है उस पे टैप कीजिए और वो वॉच फेस सेट हो जाएगा इस तरीके से। होम पेज पे होते हुए अगर आपने स्वाइप डाउन किया तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन सेंटर, यहां पे आपके लेटेस्ट 8 मैसेज शो करेंगे जो भी आपने रिसीव किए हैं। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, यहां पे टाइम और बैटरी लेवल शो करता है। सबसे पहला है DND मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड, अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी वाइब्रेशन या साउंड नहीं होगा और कोई भी नोटिफिकेशन या कॉल रिसीव नहीं होंगे। फिर है ब्राइटनेस का ऑप्शन, तो आप यहां से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो 4 लेवल पे, ये है 0, 1, 2 और 3। फिर है फाइंड माई फोन, तो मान लो आपने अपने फोन को कहीं पे मिसप्लेस कर दिया है, आपको अपना फोन मिल नहीं रहा है, अगर आपको अपने फोन को ढूंढना हुआ तो आप इसके जरिए आपके फोन में रिंग कर सकते हो। आपका फोन अगर साइलेंट पे भी हुआ फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी, तो आपको इस पर टैप करना है। वापस टैप कीजिए, स्टॉप कीजिए। ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच और आपका फोन कनेक्टेड होंगे। फिर है सेटिंग्स का ऑप्शन, तो टैप कीजिए। सबसे पहले वॉच फेस, तो आप यहां से भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। फिर है वाइब्रेशन एंड रिंग, मतलब कि अगर आपको कॉल रिसीव होता है आपकी वॉच में तो किस तरीके से आपको अलर्ट चाहिए, तो इस पर टैप कीजिए। आप 4 अलग अलग तरीके से कॉलिंग अलर्ट को सेट कर सकते हो। पहला है म्यूट, मतलब कि वाइब्रेशन और साउंड नहीं होगा, केवल कॉलिंग रिमाइंडर शो करेगा। रिंग मतलब रिंग बजेगी, साउंड प्ले होगा।
वाइब्रेशन नहीं होगा। रिंग एंड वाइब्रेशन मतलब कि रिंग भी बजेगी और वाइब्रेशन भी होगा, और वाइब्रेशन मतलब केवल वाइब्रेशन ही होगा, रिंग नहीं बजेगी। इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। इसके बाद है ब्राइटनेस, तो आप यहां से भी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो टैप करके, 0, 1, 2, 3। फिर है अबाउट, जिसके जरिए आप अपने वॉच के मॉडल नाम को, मैक एड्रेस को यहां पे चेक कर सकते हो। फिर है पावर ऑफ करने का ऑप्शन, तो आप यहां से अपनी वॉच को स्विच ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा फिर है रिसेट का ऑप्शन, तो अगर आपको सभी डेटा को क्लियर करना हुआ तो यहां से आप अपनी वॉच को रिसेट भी कर सकते हो। फिर है रिस्टार्ट करने का ऑप्शन, फाइंड फोन, आप इस पे टैप करोगे तो आप अपने फोन में रिंग कर सकते हो इस तरीके से, ताकि आप अपने फोन को ढूंढ सको। और फिर है ऐप का ऑप्शन, तो आप इस कोड को स्कैन करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, नॉइस पिट ट्रैक को। लेकिन हमने पहले से ही इस ऐप को डाउनलोड किया है, तो अब इसे स्कैन करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे है कंट्रोल सेंटर में टॉर्च का ऑप्शन, तो आप यहां से फ्लैशलाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। और लास्ट में है आपकी वॉच को म्यूट या अनम्यूट करने का ऑप्शन, तो अब ये म्यूट है मतलब कि अगर कोई भी कॉल आएगा तो आपकी वॉच में वाइब्रेशन और रिंग नहीं बजेगी, लेकिन अगर आप इसे अनम्यूट करोगे तो आपकी वॉच में रिंग भी बजेगी और वाइब्रेशन भी होगा अगर कॉल आता है तो। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो जैसे आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा मेन मेनू। सबसे पहले है नॉइस हेल्थ, तो इस पर टैप कीजिए। सबसे पहला है एक्टिविटी, तो आज आप कितने स्टेप चले हो, मैक्सिमम मिनिमम स्टेप्स का जो साइकिल था कितना था, इसके अलावा कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी आपने बर्न की है, टाइम के हिसाब से यहाँ पे आपका रिकॉर्ड शो करता है। इसके बाद बैक जाओगे तो आगे है हार्ट रेट, तो आप यहां से अपनी वॉच में हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर में शो करेगा आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है, यहाँ पे शो करता है, और कौन से जोन में रहा है, टाइम के हिसाब से यहाँ पे शो करता है ग्राफ पे। अगर आपने मेजर किया होगा तो आपको यहाँ पे डॉट डॉट शो करेगा। फिर इसके बाद है स्लिप डेटा, तो जैसे कि आपको पता होगा सोते हुए अगर आप अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लिप डेटा रिकॉर्ड होगा, कितने घंटे आप सोए थे, लाइट स्लिप, डीप स्लिप, कितने टाइम के लिए थी, ग्राफ वाइज आपको यहाँ पे शो करता है आपका स्लिप टाइम, अवेक टाइम यहाँ पे शो करता है। फिर इसके बाद है ब्लड ऑक्सीजन मतलब कि SpO2, तो आप यहां से मेजर कर सकते हो आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है, यहां पे शो करता है, और आप लास्ट 7 टाइम आपने जब भी मेजर किया था उसका डेटा यहां पे शो करता है। फिर है स्पोर्ट मोड मतलब कि वर्कआउट मोड, तो यहां पे आपको मिलेंगे 60 वर्कआउट मोड, लेकिन आप यहां पे एक साथ 19 वर्कआउट मोड को सेट करके रख सकते हो। तो अगर आपको ऐड करना हुआ तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, और जिस कैटेगरी से आपको ऐड करना है उस कैटेगरी पे आपको टैप करना है। मान लो मुझे अब ऐड करना है यहां से पॉपुलर में से बेसबॉल, डांसिंग, योगा, इसके अलावा गोल्फ, तो मैंने अब ऐड किए हैं। जैसे आप बैक जाओगे तो आप देखोगे जो भी आपने ऐड किया अब रिसेंटली ऊपर में शो करेंगे, गोल्फ, योगा, डांसिंग, बेसबॉल, और जो पुराने थे नीचे वो यहां से रिमूव हो जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस वर्कआउट पे टैप करना है, तो मुझे करना है स्टार्ट वॉकिंग को, तो मैं इस पे टैप करूंगा। वर्कआउट स्टार्ट हो चुका है, टाइम कितना हुआ है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, कितने स्टेप्स चले हो आप, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, आपका हार्ट रेट कितना चल रहा है यहाँ पे शो करता है। स्वाइप करोगे तो आप यहां से इसे पॉज कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो, और अगर आपको इसे एंड करना हो तो आप यहां से इसे एंड भी कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप चाहते हो ये रिकॉर्ड आपका सेव हो आपके ऐप में, तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए इसे होने देना है। इसके बाद आगे है मैसेज, तो आप यहां से भी अपने मैसेज या नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो। फिर है नॉइस बज, तो ये है कॉलिंग के लिए फीचर, टैप कीजिए, आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शंस, रिसेंट कॉल, डायल पैड और कॉन्टैक्ट। जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे 8 कॉन्टैक्ट्स, तो आप इनके नाम देख सकते हो। आपको जिस कॉन्टैक्ट को कॉल करना है उस कॉन्टैक्ट पे टैप करना है, कॉल हो जाएगा इस तरीके से। कट करने के लिए टैप कीजिए। फिर रिसेंट कॉल, तो लास्ट टाइम आपने जिसे भी कॉल किए थे यहां पे शो करता है, 5 कॉल्स आपको शो करेंगे रिसेंट आपने जो भी किए हैं। आपको अगर वापस उसे कॉल करना हुआ तो उस पे टैप कीजिए और आप वापस उसे कॉल कर सकते हो उस कॉन्टैक्ट के नाम पे टैप करके। और फिर है डायल पैड, तो आप यहां से किसी भी नंबर को डायल कर सकते हो। अगर आपने किसी भी कॉन्टैक्ट को यहां पे सेव नहीं किया है तो डायल कीजिए और आप डायल करके उस नंबर को कॉल कर सकते हो इस तरीके से। वेलकम टू
इसके बाद है वेदर इंफॉर्मेशन, तो टैप कीजिए इस पे। ये है अभी फिलहाल इतना चल रहा है वेदर, आज का मैक्सिमम मिनिमम। इसके अलावा अगले 6 दिन का आपको मैक्सिमम मिनिमम शो करेगा। फिर है कैमरा, तो इस पे टैप कीजिए। कैमरा पे वापस टैप कीजिए, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। फिर आप इस पे टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो। आप शेक भी करोगे फिर भी फोटो कैप्चर होगी इस तरीके से। फिर बैक जाइए, लेकिन कैमरा तभी ओपन होगा जब आपके फोन में ये ऐप ओपन होगा। लेकिन आपके फोन में अगर ऐप ओपन होगा नहीं, तो आप देखोगे आपके फोन में कैमरा ओपन होगा नहीं। तो आपको मिलेगी एक नोटिफिकेशन, आपको उस पर टैप करना है और फिर कैमरा ओपन होगा, फिर आप फोटो कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से। फिर है म्यूजिक कंट्रोल, तो आप यहां से अपने फोन का जो म्यूजिक है उसे कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि आप अपनी वॉच में म्यूजिक को प्ले नहीं कर पाओगे, म्यूजिक प्ले होगा आपके फोन में, लेकिन आप यहां से उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो टैप कीजिए, म्यूजिक प्ले होगा। अगर फिर भी म्यूजिक प्ले नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में म्यूजिक प्लेयर को ओपन करना है, प्ले करना है, पॉज करना है, क्लोज कीजिए। इसके बाद टैप कीजिए, म्यूजिक प्ले होगा। नेक्स्ट कीजिए, प्रीवियस। फिर इसके बाद है क्लॉक का ऑप्शन, इसमें मिलेंगे आपको अलग अलग ऑप्शंस। पहला है स्टॉपवॉच, तो आप यहां से 1, 3, 5, 10, 15, 30, 1 या 2, मतलब मैक्सिमम 2 घंटे तक का जो स्टॉपवॉच है स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। फिर है अलार्म का ऑप्शन, तो आपने जो भी अलार्म सेट किया आपके ऐप में यहां पे शो करेंगे। हालांकि आप यहां से अलार्म को ऑन या ऑफ नहीं कर सकते, और यहां से आप अलार्म को ऐड भी नहीं कर सकते, केवल आप यहां पे टाइम देख सकते हो। इसके बाद है टाइमर, तो आप यहां पे टाइमर को स्टार्ट कर सकते हो। टैप कीजिए, तो इन्होंने टाइमर को स्टॉपवॉच लिख दिया है यहां पे, और स्टॉपवॉच को टाइमर लिख दिया है, ये गलती हुई है इनसे। इसके बाद है ब्रेथ वर्कआउट, तो आप यहां से ब्रीदिंग वर्कआउट कर सकते हो। आपको टाइम सेट करना है, इसके बाद आपको करना है स्टार्ट। तो जैसे इनहेल अगर लिखा होगा, इनहेल मतलब सांस लेना, और जब एक्सेल लिखा होगा मतलब कि सांस छोड़ना। इस तरीके से आप ब्रीदिंग वर्कआउट कर सकते हो। स्टॉप करने के लिए प्रेस कीजिए, एंड कीजिए। इसके बाद है AI OS, अगर आपके फोन में गूगल असिस्टेंट या सीरी होगा तो आप इसे यूज कर सकते हो। टैप कीजिए, वापस टैप कीजिए, 6 सेकंड का टाइमर होगा, और आप कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछ सकते हो गूगल असिस्टेंट को। अगर आपका फोन लॉक भी होगा फिर भी ये फीचर वर्क करेगा। हाउ इज द वेदर टूडे? It's 29 and mostly cloudy. Tonight the forecast is around 28 degrees with thunderstorms. और फिर है गेम्स, तो आपको मिलेंगे यहां पे 2 गेम्स, फ्लोपी बर्ड और हैमस्टर। इसके बाद है सेटिंग्स, जो हम पहले ही देख चुके हैं। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की, तो जैसे आप स्वाइप राइट करोगे तो ये है आपका एक्टिविटी डेटा, स्टेप्स वाला जो हम देख चुके हैं। फिर है स्लिप डेटा, ये भी हम देख चुके हैं। फिर है हार्ट रेट, ये देख चुके हैं। SpO2, वेदर डेटा। दोस्तों ये थे वो सेटिंग्स और फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं इस वॉच में, और ये था नॉइस कलर फिट आइकन 2 का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।